सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, जब भी एयरबैग खुले थे चोट इतनी हैवी थी इसलिए खुल गए थे, और मैं सीट बेल्ट लगाता तो मैं आज इस दुनिया में नहीं रहता। हेलो, ये मेहून कुमार। आज हमारे साथ एक ऐसे भाई हैं जो मारुति कार्स को बुरा बताते हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में किंग का डब्बा बोलते हैं। उनके लिए आज प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाले हैं। अभी हम एक ठहरिए वाले फाटक पे हैं, तो यहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो मैंने सोचा आपको मारुति की बिल्ड क्वालिटी वाले जो बंदे ने प्रैक्टिकल उसका देखा है, उसको मतलब आप बीती वाली जो बात आती है उसको आपके सामने लाया जाए। देखो भाई, स्विफ्ट हो बलेनो, इनका मैं क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन एस्ट्रोस गाड़ी जो है उसको सभी लोग बताते हैं कि भाई बढ़िया बिल्ड क्वालिटी वगैरह के साथ वो आती है। तो भाई का जो है एक्सीडेंट हुआ था, अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक बार वीडियो डाल दी कि जिसमें एस्ट्रोस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताया था। एक बार थोड़ा भाई एक बार आगे आओ। उस एक्सीडेंट को हो चुके हैं करीबन 1.5 साल, और भाई की चाल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई का अभी भी क्या स्टेटस है। तो भाई से पूछेंगे, भाई क्या हुआ था, गाड़ी कब ली थी आपने एस्क्रॉस? भाई मैंने 2018 में गाड़ी ली थी, दिसंबर में, 1 साल 6 या 10 दिन चली थी वो लास्ट। कितनी किलोमीटर चला दी थी वो? 32,000 किलोमीटर चली थी वो कल। पूरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, क्या गाड़ी का इंश्योरेंस वैल्यू मिली, कैसे एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद क्या दिक्कत हुई, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या दिक्कत करी, और ये क्या सोचते हैं मारुति की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, नेक्स्ट कार जो इनकी होगी वो कौन सी होगी। इनकी इन्होंने वो पर्सनल अपने लिए 2018 में कार ली थी, इनके पास हालांकि एक इनोवा थी, लेकिन इनके पापा ने इनको बर्थडे पर गिफ्ट करी एस्क्रॉस। उसके बाद थोड़ा रेस चला देते थे थोड़ी, भाई 18 साल 19 साल की उम्र में अगर आपको कार मिल जाए तो, वही वाला भाई का सीन था। भाई अभी जहाँ पे हम हैं ये है होडल का एरिया, और यहीं पे होडल के एरिया में, होडल हरियाणा के एरिया में इनका एक्सीडेंट हुआ था। रात कौन सी थी भाई, वो डेट क्या थी जब एक्सीडेंट हुआ था? भाई 13 दिसंबर। तो 1 साल 6 महीने इनकी कार को, 6 दिन सॉरी पूरे हुए उस दिन एक्सीडेंट हुआ। उस रात क्या हुआ भाई, ये सारी डिटेल में बता दो। भाई मैं शादी में गया था, फैमिली भी थी, मैं भी था, मैं पर्सनली गया था, फैमिली इनोवा से गई थी तो दूसरी गाड़ी से। तो भाई हम शादी में गए थे, फिर वहाँ से मैं डांस वांस किया, थोड़ी थकावट हो गई थी, रेस्ट चाहिए था, बट मैं कंटिन्यूसली डांस करे जा रहा था, और उससे पिछले नाइट भी नहीं सोया था मैं अच्छे से। तो और मेरे को परसों मनाली के लिए निकलना था, तो मैं जल्दी हुई मेरे को, तो मैं वहाँ से 1-2 बजे निकल गया वहाँ से। बहुत तगड़ी वाली नींद आई हुई थी मेरे को, 1:30 बज रहे थे रात को। हाँ, दो भाई और बैठे हुए थे, वो भी सो गए थे गाड़ी में। फिर भाई गाड़ी चल रही थी, कम से कम 170 प्लस थी गाड़ी, 195 हाई स्पीड, 195 भगा के देख रखी है भाई ने। उसके बाद क्या हुआ भाई? तो भाई आंख लग गई थी, फिर आगे मेरे जो भी मेरे को सुबह पता लग गया एक्सीडेंट होने के बाद, मेरे को जैसे भी फील हुआ है बताया पापा ने। आपको कोई होश नहीं है कि क्या हुआ था आंख लगने के बाद? बस जब एक्सीडेंट हो गया था, जब मैंने बाद में देखा तो वहाँ पापा ने बताया कि छोटा हाथी होता है, उसमें एक घोड़ी थी भाई, ऑन द स्पॉट घोड़ी की डेथ हो गई, क्योंकि मेरी वाली ड्राइवर साइड लगी थी उसमें। मतलब जो अपना हाईवे होता है ना, जैसे ये हाईवे है मूंडगटी हरियाणा में, अगर होडल के आप वहाँ पे आपने सुना हो तो वो इन्हीं चीज़ों के लिए बदनाम है, थोड़ा सा एक्सीडेंट वहाँ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जैसे दो हाईवे होते हैं ना, एक हाईवे पे वो रॉन्ग साइड खड़ा था ना, नहीं रॉन्ग साइड नहीं, वो जा रहा था सीधा, मेरी मतलब सीधा ही जा रहा था, गाड़ी लहरती हुई रोड पे ऐसे जा रही थी भाई सीधी, वो लहरती हुई जा रही थी भाई गाड़ी मेरी सीधी, तो मुझे कुछ सूरत नहीं था, मेरे को बहुत तड़ी नींद आई हुई थी। फिर क्या हुआ, गाड़ी छोटे हाथी में टकराई, तो छोटे हाथी का अगला पार्ट अलग जाके गया, और पिछला वाला अलग पार्ट वो रोड पे हो गया थोड़ा साइड में, उसमें घोड़ी थी वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई थी, एकदम कूदी वो अनकॉन्शियस होके एकदम कूदी, तो फेस के बाद गिरी थी वो, फिर सीधा ही वहाँ पे डेथ हो गई आपकी इनकी गाड़ी। फिर वहाँ पे 6-7 पलटे खाई, फिर रोड पे उल्टी फिसली हमारी छत, हाईवे से वो नीचे मट्टी खुद रही थी तो उसमें कलामन दिखा गए, 15 फीट गड्ढे में जाके गाड़ी गिरी है हमारी, रोड पे ऑन द स्पॉट नीचे फिसलती हुई गाड़ी गई है, तो उसने बदले खाए हैं 7-8 भाई, फिर सीधा जाके हुई है, अभी उल्टी पड़ी थी, बंदों ने सीधी किए, फिर हमें जगाया किसी ने होश में, तो देखा मेरे हाथ पैर टूट गए थे, कुछ काम नहीं कर रहे, मतलब उस कार को देखकर कोई ये कह सकता था? उस कार को उस टाइम तो किसी ने नहीं देखा था, इंदिरा इतना वो पड़ा था कि बैटरी आपकी गाड़ी में से निकल के भाग गई थी रोड पे, इतनी हैवी टक्कर लगी थी गाड़ी को, बैटरी भी निकल के रोड पे। जो दो बंदे थे उनका क्या हुआ था? एक बंदा बिल्कुल सेफ था, जो मेरे साइड में बैठा था फ्रंट पे, और एक पीछे बैठा था उसके पैर में फ्रैक्चर आया था, वो भी ठीक है, वो भी बिल्कुल सेफ है। एयरबैग खुले थे गाड़ी के प्रॉपर? सीट बेल्ट सब, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, जब भी एयरबैग खुले थे चोट इतनी हैवी थी इसलिए खुल गए थे, और मैं सीट बेल्ट लगाता तो मैं आज इस दुनिया में नहीं रहता। आपको क्या क्या फ्रैक्चर आ गए उसमें? गाड़ी तो टोटल डैमेज में गई, एल्बो में फ्रैक्चर, बाइसेप्स फ्रैक्चर और लेग में फ्रैक्चर, थाई पे।
अब तक भी ये जो है ठीक फट गया, थोड़ा बहुत ब्लडिंग हुई थी बहुत, मतलब बट कुल मिला के 1.5 साल हो गए अभी तक मैं अच्छी तरह फिट नहीं हो पाया हूँ। अगर कोई और गाड़ी होती आपके पास उस टाइम तो क्या? मैं इनोवा भी होती इसमें भी बच जाता, बट कोई स्विफ्ट i20 या बलेनो वगैरह कोई होती तो उसमें नहीं बच पाता मैं। एस क्रॉस गाड़ी जो ऑल ओवर मारुति जितनी भी गाड़ी उनकी, ब्रेजा ले लो, बलेनो ले लो, सिया ले लो, सबसे हैवी गाड़ी है और उसका बॉडी पार्ट भी बहुत हैवी है और अच्छी है। मतलब गाड़ी चलाने में कैसी? बढ़िया है, स्मूथ है बिल्कुल, पिकअप भी अच्छा है, उसकी माइलेज भी अच्छी देती है। 20 गाड़ी ठुग्गी। तुम ठीक हो गए, 5 दिन हॉस्पिटल में रहे, बॉडी रेस्ट आ गया बिल्कुल। उसके बाद गाड़ी उठाई, मारुति वालों ने बोला 200 रुपये पर डे चार्ज लगेगा। फिर हमने अपने घर में रख ली थी वो गाड़ी, अपने घर में रख ली थी। इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से था? ICICI। कितने लाख मिल गए? 8 लाख रुपए मिले थे। आराम से मिल गए थे, टोटल आराम से मिले थे, बट थोड़ा बहुत प्रेशर डाला था उन पे जब जाके मिले थे। मतलब लाइसेंस वगैरह तो प्रॉपर था ना? प्रेशर क्यों बहुत उन पे प्रेशर डाला? क्यों प्रेशर क्यों डाला गया? वो तो एक्सीडेंट हुआ तो भाई ड्रामे कर रहे थे वो। हम डिफेम नहीं कर रहे किसी कंपनी को, बस जो भाई का प्रैक्टिकल एग्जांपल हम वो देख रहे हैं। उसके बाद भाई 8 लाख आपको मिल गए। अच्छा, अगर जैसे गाड़ी को टोटल डैमेज में हो गई, आपको क्या लगता है कुछ फ़ायदा हुआ उस चीज़ का, कुछ नुकसान हुआ? जैसे लोन वगैरह में 8 लाख आपके चले गए होंगे। मेरे को नुकसान ही हुआ है क्योंकि 8 लाख जो मैंने दिए हैं वो सीधे उसमें किस्त में चले गए, तो वैसे 8 लाख के आधा लोन में गए क्योंकि, और पहले 1 साल उसकी किस्त भरी थी, तो मुझे मैं टोटली माइनस में गया हूँ, लॉस में गया हूँ उसमें, तो बेनिफिट कुछ नहीं हुआ है। बट ये हुआ है मैंने 1 साल में 32,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली थी, तो उसमें गाड़ी का एक्सपीरियंस सब कुछ निकल गया था, किस्त कैसी गाड़ी, अच्छी गाड़ी थी तो कोई नहीं, बट वो मैटर नहीं करता। पर दोबारा लेना पसंद करोगे एस्क्रॉस को? हाँ, लाइफ में कभी मौका मिला तो ले भी लेंगे एस्क्रॉस, बट अब तो मारुति लेनी नहीं है, तो और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करना था भाई मेरे को आपके साथ कि एस्क्रॉस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है और भाई का क्या हाल रहा, और भाई बहुत लकी फील करते हैं एस्क्रॉस लेने के बाद कि उन्होंने इसकी जान बचा ली। चलो भाई, और इसकी लापरवाही का नतीजा आपने देखा है, पूरी लापरवाही का नतीजा था भाई, गाड़ी चलाते वक्त कौन सा होता है, तो हो गई लापरवाही लेकिन बच गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो वीडियो देखने का धन्यवाद, कृपया आप भी थोड़ी मंदी चलाया करें, थोड़ी अपना होश में चलाया करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच।